Good afternoon and welcome to all dear students. Today we will discuss moments. Already in last lecture we discussed the formulas concerning moments. Today we will discuss examples based on moments. So let us begin. Under the heading moments, first is arbitrary moment, or rather you could say moment about arbitrary point. अगर moment about arbitrary point निकालना है तो उसके formulas क्या है? Moment about arbitrary point, ये formulas आपको by heart learn करने हैं. About arbitrary point say A, कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट है उसके अबाउट मोमेंट्स निकालना है तो फॉर्मूलेज आर एज गिवन. सबसे पहले तो म्यू नोटेशन से मोमेंट डिनोट होता है, म्यू. ओके, एंड बाय सफिक्स आर, म्यू सफिक्स आर डिनोट्स अर्थ मोमेंट. अर्थ मोमेंट it denotes earth moment about the point A. So mu r is earth moment about a point A. जब arbitrary point के about moment निकालते हैं तो dash से denote करते हैं. So mu dash r is how this is read, mu dash r, अर्थ मोमेंट एट आर्बिट्ररी पॉइंट ए. अर्थ मोमेंट एट आर्बिट्ररी पॉइंट ए इज डिनोटेड बाय म्यू आर डैश. आर वन रहेगा तो फर्स्ट मोमेंट, आर टू रहेगा तो सेकेंड मोमेंट, आर थ्री रहेगा तो थर्ड मोमेंट, एंड लाइकवाइज. सो फॉर्मूलाज नोट डाउन कर लीजिए. इन जनरल अर्थ मोमेंट अबाउट आर्बिट्ररी पॉइंट ए, म्यू डैश आर इज इक्वल टू वन अपॉन एन इंटू समेशन एफ एक्स माइनस ए टू द पावर आर. आर कैन टेक वैल्यूज 1, 2, 3, 4. सो वी कैन जनरेट पर्टिकुलर फॉर्मूलाज. फर्स्ट मोमेंट अबाउट आर्बिट्ररी पॉइंट ए विल बी वन अपॉन एन. वी ऑल वेरी वेल नो एन इज समेशन ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी. सो वन अपॉन एन इंटू समेशन, समेशन एफ एक्स माइनस ए रेस टू वन. आर की वैल्यू वन होगी तो फॉर्मूला म्यू वन डैश का जनरेट हो जाएगा. So this formula is first moment about the arbitrary point A for the given data. Similarly, what will be second moment about the arbitrary point? It will be read as mu 2 dash 2, mu 2 dash, mu 2 dash equals to 1 upon n summation f x माइनस ए. आर की वैल्यू टू रखेंगे सो इट इज x माइनस ए रेस टू टू. सो दिस इज सेकेंड मोमेंट अबाउट आर्बिट्ररी पॉइंट ए. नोट डाउन दिस फॉर्म्यूला ऑल्सो. सेकेंड मोमेंट अबाउट आर्बिट्ररी पॉइंट ए इज ऑब्टेंड यूजिंग द फॉर्म्यूला म्यू टू डैश इक्वल्स टू 1 upon n summation f into x minus a square. Similarly, mu 3 dash, third moment about arbitrary point A will be 1 upon n into summation f into x minus a cube. And mu 4 dash will be 1 upon n summation f into x minus a raised to 4. These are four formulas related to moment
एट एनी आर्बिट्ररी पॉइंट ए, फर्स्ट मोमेंट, सेकेंड मोमेंट, थर्ड मोमेंट एंड फोर्थ मोमेंट। तो इन्हें याद रखिए, पहला था मोमेंट अबाउट आर्बिट्ररी पॉइंट ए, मोमेंट अबाउट आर्बिट्ररी पॉइंट ए, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड इज सेंट्रल मोमेंट, सेंट्रल मोमेंट मीन्स मोमेंट अबाउट मीन, क्योंकि मीन इज सेंटर, मीन वैल्यू ऑफ गिवन डेटा इज सेंटर ऑफ दैट वैल्यू, इजंट इट? तो इसे सेंट्रल मोमेंट भी कहते हैं। दिस इज नथिंग बट मोमेंट अबाउट मीन, मोमेंट अबाउट मीन। मोमेंट अबाउट मीन इज वॉट इज सेंट्रल मोमेंट एंड वॉट आर द फॉर्म्यूलाज, म्यू आर इक्वल टू, दिस इज इन जनरल अर्थ मोमेंट अबाउट मीन और अर्थ सेंट्रल मोमेंट, अर्थ मोमेंट अबाउट मीन इज वन अपॉन एन इन टू समेशन ऑफ एफ इन टू x माइनस एक्स बार रेस टू r, अर्थ मोमेंट के लिए अर्थ पार रहेगा, x बार इज वेर, व्हाट इज x बार, x बार इज मीन। सम डेटा विल बी गिवन टू यू एंड इफ यू वॉन्ट टू ऑब्टेन सेंट्रल मोमेंट, या अन्य शब्दों में जिसे कहेंगे मोमेंट अबाउट मीन, तो सर्वप्रथम आपको मीन निकालना है। हर ग्रुप का एक मिडल वैल्यू रहेगा, उस मिडल वैल्यू में से मीन सब्ट्रैक्ट करके ये वैल्यूज जनरेट कर लेनी है, आर्थ पावर उसका बनाना है और करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज के साथ मल्टीप्लिकेशन करके उस कॉलम की एडिशन ये जनरेट हो जाएगी और उसको एन से डिवाइड कर देना। एन इज समेशन ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज, टोटल फ्रीक्वेंसी। तो दिस इज सेंट्रल मोमेंट या मोमेंट्स अबाउट मीन। सिर्फ आर्बिट्ररी पॉइंट में ए होता है और अबाउट मीन में मीन वैल्यू रखी जाती है, दैट इज द डिफरेंस टू बी नोटेड। मोमेंट अबाउट मीन के फॉर्मूलाज हैं, अर्थ मोमेंट वेर आर इज 1, 2, 3, 4, अर्थ मोमेंट Earth moment in general about mean is 1 upon n into summation f into x minus x bar, this bracket to the power r. So, first moment about mean
will be 1 upon n summation of f into x minus x bar raised to 1 mu 2. One upon n summation learn this formula is by heart f into x minus x bar square mu 3 1 upon n summation f into x minus x bar cube and mu 4 is 1 upon n summation f into x minus x bar raised to 4. So these are formulas related to central moment about mean x bar. We discussed central moment about arbitrary point. And we discussed central moment about mean. Moment about arbitrary point A, in general, rth moment about arbitrary point A is 1 upon capital N, where capital N is summation of all the frequencies, into summation f into x minus a raised to r. About arbitrary point A, mu 1 dash, that is first moment about arbitrary point A from this general formula by substituting r is equal to 1 is 1 upon n into summation f into x minus a. Mu 2 dash, isko kaise read karte hai? Mu 2 dash, what is it representing? Moment about arbitrary point A. It is second moment about arbitrary point A is equal to 1 upon n summation f into x minus a square. Mu 3 dash 1 upon n into summation f into x minus a cube and mu 4 dash 1 upon n into summation f into x minus a raised to 4. So these are moment about arbitrary point A, denoted by dash, rth moment about arbitrary point A, in general, is given by this formula, mu r dash equal to 1 upon n into summation f into mod x minus a raised to r. Hi jhali pahili goshta, moment about arbitrary point A. This is first thing, under moments. Second thing is moment about mean, जिसे central moment भी कहते हैं, moment about mean. Central moments is moment about mean. Mu r से denote करते हैं, rth moment is about mean is denoted by mu r and the formula is 1 upon n into summation f into x minus x bar raised to r. So we have to replace arbitrary value by the mean x bar and the notation is mu suffix r when we are discussing moment about mean. Is general formula se particular formula is generate kar liye, particular formula mu 1 जिसका अर्थ है फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन एक्स बार इज 1 अपॉन एन इंटू समेशन एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार. म्यू 2 1 अपॉन एन इंटू समेशन एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार स्क्वेयर. म्यू 3 1 अपॉन एन इंटू समेशन एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार क्यूब. म्यू 4 1 अपॉन एन इंटू समेशन एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार इज टू 4. So formulas related to moment about arbitrary point A and moment about arbitrary moment about mean is already discussed. Now let us come to third point.
थर्ड पॉइंट इज मोमेंट अबाउट मीन. व्हेन मोमेंट अबाउट, आई एम राइटिंग अबाउट इन शॉर्ट एबीटी. अबाउट आर्बिट्ररी पॉइंट इज गिवन. अबाउट आर्बिट्ररी पॉइंट इज गिवन. तो यू आर गिवन मोमेंट अबाउट आर्बिट्ररी पॉइंट, और उसका यूज करके मोमेंट अबाउट मीन निकालना हो तो उसके फॉर्मूलाज डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट पॉइंट विच वी शुड ऑलवेज रिमेम्बर इज म्यू वन इज ऑलवेज जीरो. ये मैंने पिछले लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया था, प्रोबेबिलिटी एंड रैंडम थ्योरम का, जो इससे पहले जो क्लास हुआ था, आई गेस 16th of March, तब ये डिस्कस हुआ है कि म्यू वन हमेशा जीरो रहता है. कोई भी डेटा हो, म्यू वन इज ऑलवेज जीरो. तो म्यू वन ऑलवेज जीरो होता है. पॉइंट टू बी रिमेम्बर्ड, फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन इज ऑलवेज जीरो. सेकेंड फॉर्म्यूला म्यू टू, जब म्यू वन डैश, म्यू टू डैश, म्यू थ्री डैश, म्यू फोर डैश पता हो, दीज आर नथिंग बट मोमेंट अबाउट आर्बिट्ररी पॉइंट. ये चार वैल्यूज हमें पता है और हम चाहते हैं म्यू वन, म्यू टू, म्यू थ्री, म्यू फोर की वैल्यूज. दिस इज अबाउट आर्बिट्ररी पॉइंट्स एंड दिस इज अबाउट मीन. तो म्यू टू का फॉर्मूला है, ये सब फॉर्मूलेज आपको बाय हार्ट लर्न करने हैं. म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश स्क्वेयर. सो दिस इज म्यू टू विच इज सेकेंड मोमेंट अबाउट मीन इज सेकेंड मोमेंट अबाउट आर्बिट्ररी पॉइंट माइनस स्क्वेयर ऑफ फर्स्ट मोमेंट अबाउट आर्बिट्ररी पॉइंट. नोटेशंस आ रहे आप सबको समझ में? आर यू ओके विद द नोटेशंस? ये फॉर्मूलाज बाय हार्ट लर्न करने हैं. थर्ड फॉर्मूला इज म्यू थ्री. म्यू थ्री इज मोमेंट, थर्ड मोमेंट अबाउट मीन इज थर्ड मोमेंट अबाउट आर्बिट्ररी पॉइंट माइनस थ्री म्यू टू डैश इंटू म्यू वन डैश प्लस टू म्यू वन डैश क्यूब. ये लर्न करना है आपको बाय हार्ट. म्यू थ्री डैश माइनस थ्री म्यू टू डैश इंटू म्यू वन डैश प्लस टू म्यू वन डैश क्यूब. सो फोर्थ फॉर्मूला इज अबाउट मी फोर, म्यू फोर मोमेंट अबाउट मीन. फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन इज फोर्थ मोमेंट अबाउट आर्बिट्ररी पॉइंट माइनस फोर म्यू थ्री डैश इंटू म्यू वन डैश प्लस सिक्स म्यू टू डैश म्यू वन डैश स्क्वेयर माइनस थ्री म्यू वन डैश रेस टू फोर. ये फॉर्मूला सारे लर्न करने हैं, मोमेंट से रिलेटेड फॉर्मूलाज हैं. फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन इज ऑलवेज जीरो. सेकेंड मोमेंट अबाउट मीन इज इक्वल टू म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश का स्क्वेयर. थर्ड मोमेंट अबाउट मीन इज इक्वल टू म्यू थ्री डैश माइनस थ्री म्यू टू डैश इंटू म्यू वन डैश प्लस टू म्यू वन डैश क्यूब. म्यू फोर इज म्यू फोर डैश माइनस फोर म्यू थ्री डैश म्यू वन डैश प्लस सिक्स म्यू टू डैश इंटू म्यू वन डैश स्क्वेयर माइनस थ्री म्यू वन डैश रेस टू फोर. ये आपको लर्न ही करना है बाय हार्ट. आप कैसे याद रखोगे? देखिए, ये टू है, ये भी टू है और ये वन, वन टू टाइम्स आया है. तो
बेसिस है ना थ्रू आउट सेम रहेंगे, हर टर्म के बेसिस सेम आते हैं। ये थ्री, यहाँ पर थ्री, टू एंड वन थ्री, वन इज कमिंग थ्री टाइम्स मतलब थ्री। ये फोर, यहाँ पर फोर है, थ्री एंड वन इज फोर, टू एंड वन इज टू टाइम्स, सो टू प्लस टू इज फोर एंड वन इज फोर टाइम्स, सो इट इज ऑल्सो फोर। बेसिस सबके सेम है। और कोएफिशिएंट्स का एडिशन कितना आता है, देखिए वन माइनस थ्री माइनस टू प्लस टू इज जीरो, कोएफिशिएंट्स का एडिशन जीरो आता है। यहाँ पर वन माइनस फोर इज माइनस थ्री, माइनस थ्री प्लस सिक्स इज थ्री एंड थ्री माइनस थ्री इज जीरो। ये कुछ बातें हैं जो फॉर्मूलाज को याद रखने में आपकी मदद करेगी। ये फॉर्मूलाज जैसे कहते हैं ना रट्टा मार, तो रट्टा मार इसको आपको लर्न ही करना है, नो अदर ऑप्शन। सो लर्न दिस फॉर्मूलेज बाय हार्ट, आई हैव ऑलरेडी गिवन इन नोट्स विच आर ऑन गूगल क्लासरूम। अच्छी से लर्न करना है, ठीक है। रिकॉल करवा रही हूँ क्योंकि आगे हम एग्जाम्पल्स डिस्कस करने वाले हैं, तो दिस इज जस्ट रिकॉलिंग। वन मोर पॉइंट विच यू शुड रिमेम्बर बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर इज म्यू टू जो होता है सेकेंड मोमेंट अबाउट मीन, ये वेरियंस होता है। ये वेरियंस को भी अच्छे से याद रखना है आपको। वेरियंस स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर होता है। पॉइंट टू बी रिमेम्बर्ड, वेरियंस स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर होता है। म्यू टू वेरियंस होता है और वेरियंस स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर होता है, ये भी आपको याद रखना है। और स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला इफ यू रिमेम्बर, एच इनटू समेशन एफ यू स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन एफ यू अपॉन एन होल स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला है और स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर वेरियंस होता है। ये रिकॉल करना है सब कुछ। और एक बात जो आगे बढ़ने से पहले बता दी देती हूं मैं आपको, म्यू वन डैश फर्स्ट मोमेंट अबाउट आर्बिट्ररी पॉइंट इज मीन माइनस दैट आर्बिट्ररी पॉइंट ए, म्यू वन डैश इज एक्स बार माइनस ए। मतलब जो मीन होता है वो आर्बिट्ररी पॉइंट के अबाउट जो पहला मोमेंट ढूंढते हैं उसमें ए को ऐड करना। इससे ये फॉर्मूला भी मिलता है जो हमें याद रखना है। पॉइंट टू बी रिमेम्बर डियर स्टूडेंट्स। नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क, या फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। कीपिंग दिस इन माइंड लेट अस प्रोसीड फर्दर। एग्जाम्पल वन, द फर्स्ट फोर मोमेंट्स, मोमेंट्स पे दो दो मार्क, एक एक मार्क का पूछने जैसा बहुत कुछ है। द फर्स्ट फोर मोमेंट्स ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन, राइट डाउन दिस प्रॉब्लम। द फर्स्ट फोर मोमेंट्स ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एक्स इक्वल टू फाइव आर टू ट्वेंटी फोर्टी एंड फिफ्टी। यू बी रेडी विथ योर नोटबुक एंड पेन एंड कैलकुलेटर। फाइंड द मीन एंड मोमेंट अबाउट मीन एंड
मोमेंट अबाउट मीन। दो दो मार्क्स के लिए इसमें पूछने का बहुत स्कोप है, पूछ सकते हैं। द फर्स्ट फोर मोमेंट्स ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एक्स इक्वल टू 5 आर 2, 20, 40 and 50। व्हाट डज इट इंडिकेट? ए इज आर्बिट्ररी पॉइंट का वैल्यू इज 5 और इसके अबाउट मोमेंट की वैल्यूज है, ये आर्बिट्ररी पॉइंट है। तो पहली वैल्यू मोमेंट की रहेगी म्यू वन डैश, इट डिनोट्स मोमेंट अबाउट द पॉइंट 5, फर्स्ट मोमेंट अबाउट द पॉइंट 5, अबाउट द पॉइंट ए इक्वल टू 5, ऑलरेडी इट इज गिवन, इट इज 2। सेकेंड मोमेंट अबाउट 5 इज 20, थर्ड मोमेंट अबाउट 5 इज 40 एंड फोर्थ मोमेंट अबाउट 5 इज 50। फाइंड मीन एंड मोमेंट अबाउट मीन। Find the mean. So we know from this particular formula, mean is first moment about point A plus A. So using this formula, first moment about A is equal to 5 is 2. So 2 plus 5. So the value of mean for this given data is 7. Just you should know A, you should know first moment, and you should know this formula. Then you can obtain mean. So aise do do marks ke liye puch sakte hain. Mean ki value 7 hai. Mean to dhoond liya. Ab moment about mean dhoondna hai. तो ये कोरिलेशन काम आएंगे। म्यू वन तो हमेशा जीरो ही होता है, तो वो फिर से हम वहां पर लिख देंगे। म्यू टू इस फॉर्मूले से, 3 इस और 4 इस फॉर्मूले से ढूंढ पाएंगे। तो लेट अस परफॉर्म इट, सिंपल अल्जेब्रिक कंप्यूटेशंस। म्यू वन is first moment about mean is 0 always. Mu 2, the formula is mu 2 dash minus mu 1 dash square, learn karna hai formula, will be equal to mu 2 dash ki value 20 hai, म्यू वन डैश की वैल्यू 2 है, म्यू वन डैश का स्क्वेयर 20 माइनस 4 इज 16। तो सेकेंड मोमेंट अबाउट मीन इज इक्वल टू 16। थर्ड मोमेंट निकालते हैं। थर्ड मोमेंट का फॉर्मूला है म्यू 3 इक्वल टू म्यू 3 डैश माइनस 3 म्यू 2 डैश इंटू म्यू 1 डैश प्लस 2 म्यू 1 डैश क्यूब के फॉर्मूले आपको बाय हार्ट लर्न ही करना है। म्यू 3 डैश थर्ड मोमेंट अबाउट 5 इज 40। So we substitute 40 minus 3 into mu 2 dash is 20,
into mu 1 dash. Mu 1 dash is 2 plus 2 mu 1 dash ka cube. Mu 1 dash 2 hai, so 2 ka cube is equal to 40 minus. So this is 60 into 2 is 120 plus 2 cube is 8, 8 into 2 is 16. 40 plus 16 is 56, 56 minus 120. How much it is? Minus 64. So third moment about mean is minus 64. Now let us proceed for fourth moment computation. Mu 4. The formula is mu 4 dash minus 4 mu 3 mu 1 dash plus 6 mu 2 dash into mu 1 dash square minus 3 mu 1 dash raised to 4. So using this formula we will obtain fourth moment about mean. So mu 4 equal to, I write the formula. Mu 4 dash minus 4 mu 3 dash mu 1 dash plus 6 mu 2 dash mu 1 dash cube, beg your pardon, it is mu 1 dash square minus 3 mu 1 dash raised to 4. फॉर्मूलाज लर्न ही करना है तभी निकाल पाएंगे. म्यू वन डैश म्यू टू डैश म्यू थ्री डैश म्यू फोर डैश चारों भी वैल्यूज यहाँ पर रख के इस फॉर्मूले से म्यू फोर निकालना है. एग्जाम में दो दो मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं. ऊपर से फॉर्मूले लिख लेते हैं. म्यू वन डैश टू है, म्यू टू डैश 20, थ्री डैश 40 and mu 4 dash 50. So using all these values obtaining fourth moment about mean, mu 4 dash 50 minus 4 into 40 into 2 plus 6 into 20 into 2 का स्क्वायर माइनस 3 into 2 टू द पावर 4. दिस इज इक्वल टू 50 माइनस 4 into 4 इज 16. 160 into 2 इज 320. Plus 6 into 20 is 120. 120 into 4, 480. Minus 3 into 2 raised to 4. 2 raised to 4 is 16. 16 into 3 is 162. What is the value of mu 4? 162. Yes. So mu 4, fourth moment about mean. When moment about arbitrary points are given is 162. So ये एक प्रकार का क्वेश्चन है जो मोमेंट पे पूछा जा सकता है. Yes. दूसरे प्रकार का प्रश्न ले लेते हैं.
इसमें किसी को कुछ संदेह है, कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड फर्स्ट फोर मोमेंट फॉर द फॉलोइंग डेटा। सो राइट डाउन द डेटा ग्रुप एंड द करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज और रादर क्लास क्लास एंड फ्रीक्वेंसीज। आई वुड प्रेफर टू यूज क्लास। क्लासेस आर 1 to 3, 1 से 3। ये क्लास में वेरिएट वैल्यूज है, कितनी वेरिएट वैल्यूज है, 5, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 5 है। 3 से 5 इन वेरिएट वैल्यूज में 9 वैल्यूज है। 5 से 7 में 3 वैल्यूज है वेरिएट की। राइट डाउन दिस, 7 से 9 में 4 वैल्यूज है, 9 से 11 में 9 से 11 में 6 वैल्यूज लेता है वेरिएट, 11 से 13 में 11 वैल्यूज लेता है। ये हो गया डेटा। क्लियरली ये ग्रुप्ड डेटा है, पिछला डेटा डिस्क्रीट डेटा था। वहां पर मोमेंट अबाउट सम आर्बिट्री पॉइंट दिया था एंड मोमेंट अबाउट मीन पूछा था। ये ऑल टुगेदर डिफरेंट प्रॉब्लम है। दिस इज ग्रुप डेटा, दिस इज कंटिन्यूअस डेटा। फर्स्ट फोर मोमेंट्स निकालना है फॉर द फॉलोइंग डेटा। जब वो कुछ स्पेसिफाई नहीं करते कि किसके अबाउट निकालना है, अबाउट आर्बिट्ररी पॉइंट या अबाउट मीन, तो हम अबाउट मीन ही निकालेंगे। μ1, μ2, μ3, μ4 ही निकालेंगे। तो हाउ टू प्रोसीड फर्दर, एक बार मैं आपको फॉर्मूलेस बताती हूं। अभी तक हमने जो फॉर्मूलेस डिस्कस किए, मोमेंट अबाउट आर्बिट्ररी पॉइंट, ये फॉर्मूलाज हैं। इस पर बेस्ड अभी तक हमने एग्जांपल नहीं देखा है। मोमेंट अबाउट मीन, इस पर भी एग्जाम्पल नहीं देखा है हमने, इस पर देखा है। मोमेंट अबाउट आर्बिट्ररी पॉइंट दिया था एंड मोमेंट अबाउट मीन ढूंढा, इस पर बेस्ड एग्जाम्पल देखा है। और अभी हमें ये पूछा है मोमेंट अबाउट मीन, तो ये फॉर्मूले यूज, ये सेट ऑफ फॉर्मूले हमें लगेंगे, μ1, 2, 3 एंड 4। तो इसके लिए टेबल बनाना पड़ेगा। हर क्लास की फ्रीक्वेंसी है, हर क्लास की मिडल वैल्यू लगेगी, मीन ढूंढना पड़ेगा। मीन स्टेप डिविएशन से ढूंढ लेते हैं। स्टेप डिविएशन मेथड इज मोस्ट प्रेफरेबल फॉर कंटिन्यूअस ग्रुप डेटा। सर्वप्रथम एक्स बार ढूंढ लेंगे, आफ्टर दैट एक कॉलम फ्रीक्वेंसी का रहेगा एज यूजुअल, एक कॉलम ये सब्ट्रैक्शन का रहेगा, सब्ट्रैक्शन टू द पावर 1 का। उसके बाद में टू द पावर 2 का एक कॉलम आ जाएगा, टू द पावर 3 का एक कॉलम आएगा एंड टू द पावर 4 का एक कॉलम आएगा। और उसके बाद में फ्रीक्वेंसीज के साथ मल्टीप्लीकेशन वाले कॉलम्स आ जाएंगे। और ये इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स आने के बाद में
उस कॉलम की एडिशन हमें फाइनली ये वैल्यू दे देगी, ये वैल्यू देगी, ये वैल्यू देगी एंड सिमिलरली ये वैल्यू देगी। तो अब हम डी फॉर्मूले से रिलेटेड एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं। सी पर बेस्ड एग्जांपल देख लिया है। सो गिवन इज ग्रुप्ड डेटा, सो द फॉर्म इज फर्स्ट मोमेंट इज ऑलवेज जीरो। आप ये कंप्यूटेशन कीजिए चाहे मत कीजिए, वो हमेशा जीरो ही आता है। आप कंप्यूटेशन से भी उसको कंफर्म कर सकते हैं। म्यू टू का फॉर्मूला है वन अपॉन एन